हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5th है कि कॉपर वायर है जिसको स्क्वायर में बेंट किया गया, मोड़ा गया है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है। एरिया इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर इक्वल टू 121। यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, साइड क्या आएगी? साइड इक्वल टू रूट 121, साइड आ जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। अब आपकी साइड आ चुकी है 11 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि जो कॉपर वायर जिसको बेंड किया था स्क्वायर से किस में चेंज किया है? सर्कल में। ठीक है, तो जो इसकी सरकमफेरेंस होगी स्क्वायर की वो किसके इक्वल हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। साइड कितनी दी है? 4 इंटू 11 सेंटीमीटर, 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर यहाँ से फाइंड करेंगे, अब आर निकाल लेंगे, बाकी सबका ट्रांसफर करेंगे। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 से ये 2 कैंसिल। तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 7। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आई है 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका जो मिनट हैंड है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन्स रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 2 आर्स। तो पहले हम 1 आर्स का निकाल लेते हैं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ये 1 आर का निकाल रहे हैं हम, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपको यहाँ रखना है 14। आंसर आ जाएगा 2 × 3.14 × 14, आंसर आ जाएगा 87.92। चूँकि ये 1 आर में और आपको कितने का निकालना है? 2 आर्स का। तो मूव इन 2 आर्स क्या कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आपका हो जाएगा 175.84, ये आपका आंसर।